साहरघाट स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दो छात्राओं का पारा मेडिकल में चयन हुआ है, जिससे विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। पारा मेडिकल में बासुकी बिहारी के अशोक कुमार सिंह की पुत्री गीतांजलि कुमारी एवं केरवा निवासी दिनेश महतो की पुत्री ममता कुमारी का चयन हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय में प्रतिभा सम्मान किया गया, जहां दोनों छात्राओं को विद्यालय के निदेशक और शिक्षकों द्वारा मेडल अथवा मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। बताते चले कि जून माह में पारा मेडिकल में प्रवेश के लिए परीक्षा हुआ था, जिसमें उक्त दोनों छात्राओं का चयन हुआ है। जल्द ही बेहतर कॉलेज में दाखिला लिया जाएगा। इस सफलता से दोनों बच्चे उत्साहित नजर आ रहे थे। सफल विद्यार्थियों ने कहा कि हम 10वीं और 12वीं इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए हैं, जहां पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके बदौलत आज हम दोनों यह सफलता हासिल किए हैं। निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि बेहतर समाज निर्माण के लिए बेहतर शिक्षा का होना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन बच्चों में बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चे अनुशासित होंगे तो सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, जिसमें गरीबी और आर्थिक बोझ का भी बाधा नहीं बनती, जिसका यह सफल दोनों बच्चे उदाहरण है। इस दौरान प्रिंसिपल प्रियंका कुमारी, कुमारी सज्ञान, अविनाश कुमार, अशोक कुमार सिंह, सोनू कुमार, हफीजुल इस्लाम, पंकज कुमार ठाकुर, आलोक कुमार समेत शिक्षक और अभिभावकों ने दोनों बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। अच्छा, कहाँ से आप आते हैं, घर कहाँ है आपका? केरवा। जो सफलता मिला है, आप पारा मेडिकल का एग्जाम पास की है, रैंक मिला है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही है। इसका पूरा श्रेय एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जाता है, क्योंकि नीट लेवल की पढ़ाई करवाए थे। अच्छा, नीट लेवल का पढ़ाई यहाँ करवाया था आपको, तब आप पारा मेडिकल का एग्जाम दिए और क्वालिफाई हो गए। तो क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए क्या मैसेज होगा? लड़कियों के लिए ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अपनी पढ़ाई जारी रखे, ये ना कि बीच में ही छोड़ दे, जो उसको अच्छा लगता वही करे। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? दिनेश महतो। क्या करते हैं आपके पिताजी? विदेश रहते हैं। अच्छा, विदेश बाहर कमाते हैं आप लोगों का, दुबई रहते हैं। तो क्या करना है आगे, मेडिकल क्षेत्र में जाकर के क्या करना है? नर्सिंग करना है जी। नहीं, कुछ लोगों का होता है ना कि वहाँ जाकर के मुझे जॉब ही करना है या समाज की सेवा भी करना है? समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा के लिए इस फील्ड को आपने चुना था। हाँ। क्या नाम बताया था आपने? ममता कुमारी। आपने इंटर और मैट्रिक कहाँ से किया? एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारवार से। यहीं से किया। हाँ। क्या नाम है आपका? गीतांजलि कुमारी। किस तरह का एग्जाम था और जिसको लेकर के आज आपको सम्मानित किया गया है, ये बताइए। मेडिकल का एग्जाम था और उसमें हम लोग को एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नीट लेवल की तैयारी करवाया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं, वैसा ही हम लोग को अच्छा मार्क मिला है और उसमें। और पैरामेडिकल में हम लोग ज़्यादातर जो पढ़े थे एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, लोग शिक्षक लोग पढ़ाए थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत अच्छा मार्क मिला। अच्छा, ये आपके मन में कब भावना आई जब कि मेडिकल क्षेत्र में जाना है, और क्यों ये भावना आई? क्योंकि हम लोग जब साइंस से पढ़ाई करते थे, बायोलॉजी से, हम लोग को सर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे और समझाए थे, तो हम लोग सोचते थे कि इसी लाइन में बहुत अच्छा, सर समझा भी दिए, इसी से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा मार्क मिलेगा, आगे चलकर हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। आगे बेटियों के लिए क्या कहेंगे, जो बेटी मैट्रिक इंटर करके अपना घर में ही बैठ जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में अवसर है, तो क्या कहेंगे? उन लोगों को घर नहीं बैठना चाहिए, उन लोगों को आगे का काम करना चाहिए, जो जितना जो क्वालिफाई है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को कुछ करना चाहिए, घर बैठना नहीं चाहिए। आपका घर कहाँ हुआ? बासुकी बिहार। और पिताजी का क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। एमजीएम मैट्रिक इंटर तक एक सीमित था, लेकिन अब लग रहा है कि एमजीएम का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पारा मेडिकल जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, क्वालिफाई हुआ, क्या कहेंगे सर? पहले तो यहाँ जो भी पढ़ाई होती थी बोर्ड लेवल की पढ़ाई होती थी, लेकिन कुछ सालों से यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ काफ़ी लोग ध्यान दे रहे हैं, बच्चे भी ध्यान दे रहे हैं, और साथ साथ जो हमारे फैकल्टी के टीचर हैं जी, चाहे वो केमिस्ट्री फैकल्टी हो, फिजिक्स फैकल्टी हो, या मैथ हो, या बायोलॉजी हो, या आर्ट्स वाले भी टीचर, अब ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कंपटीशन की ओर ज़्यादा जा रहा है जी। और अभी तो सिर्फ यहाँ नीट और इंजीनियरिंग से संबंधित परीक्षा की तैयारी के साथ साथ और भी तैयारियाँ शुरू होने वाली हैं।
लेकिन खास करके नीट के लिए और इंजीनियरिंग के लिए तो सारे टीचर अपना तैयारी कराते हैं, नोट्स तैयार कराते हैं, और उसी का परिणाम है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी पारा मेडिकल ऐसे एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से यहाँ निकाल लेते हैं। और ये इसके लिए मैं अपने सारे शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और एक सफल मार्गदर्शन बच्चों को देते हैं, जिसके चलते उनको बच्चों को सफलता मिलती है और हम लोगों को भी बड़ा गर्वान्वित महसूस होते हैं कि नहीं, बच्चे कमज़ोर हो उससे कोई बहस नहीं है, बच्चे कितने भी कमज़ोर हो ये कोई मायने नहीं रखता है, बच्चे में जो अनुशासन है उस अनुशासन को यदि वो फॉलो करता है, नियमित क्लास करता है, प्रतिदिन टीचर द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को यदि वो दैनिक अभ्यास करते हैं, जो पाठ उनको दिया जाता है या जो नोट्स दिया जाता है उनको यदि वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि भारी से भारी एग्ज़ाम भी सरल हो सकता है और बच्चे सफल हो सकते हैं। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मसे हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मल त्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है? पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है, तो 7% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।